प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि, अरे अंजलि, एक चाय के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, चाय पिलाओ भाई। आपकी चाय तो कब से तैयार है, अब तो देती क्यों नहीं? अब अखबार पढ़ लो, उसका इंतजार कर रही थी। अखबार का चाय से क्या लेना देना है? अखबार का चाय से कुछ लेना देना नहीं है, पर आपका तो मुझसे लेना देना है ना? हाँ, बहुत कुछ लेना देना है भाई। Oh, yeah. लेकिन असल में देना ही देना है। अब बोलिए, आपको मुझसे क्या किसी नई सेल के लिए पैसा लेना है? ना बबना, अब वो सेल वेल का खेल खत्म। तो फिर कोई नया खेल शुरू हो गया होगा। बताइए, आप किस लिए पैसा चाहिए? अरे बाबा, कुछ लेना देना नहीं है, पर जब आपके एक हाथ में चाय होती है और दूसरे हाथ में अखबार होता है ना, तब आपको आसपास कुछ नजर आता ही नहीं है। ओ, शिकायत हो रही है? अरे नहीं नहीं, नजर आता है ना भाई, बहुत सुंदर लग रहा है मेरा ATM आज। आप थैंक यू जी। अच्छा, आप ये बताओ कि आज चाय कैसी बनी है? एक्चुअली अंजलि, जब मैं अखबार पढ़ता हूँ मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, अखबार में मुझे ये तक ध्यान नहीं रहा कि तुमने आज मुझे मसाले वाली चाय दी है बिना मांगे। ओह माय गॉड, आज कोई त्योहार है? नहीं बालक। बालक? आज कोई त्योहार नहीं, किंतु अंजलि तारक मेहता ने ये निर्णय लिया है कि अगले 8 दिन तक आपके भोजन पे लगे समस्त प्रतिबंधों की छुट्टी। डाइट फूड की छुट्टी? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगले 8 दिन तक मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ? हाँ। सच कह रही हो? हाँ। सच कह रही हो? हाँ बाबा, हाँ। लेकिन बाहर नहीं, जो भी खाना हो मैं इन हाथों से बना कर दूंगी। अरे भाई, इन हाथों से नहीं खाना। मजाक कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब मुझे तो खाने से मतलब है। अंजलि, ये बताओ कि ये बिन मौसम की बरसात कैसी, मुझ पे ये मेहरबानी अचानक क्यों? अरे बच्चों का वैकेशन शुरू हो गया, तो मैंने सोचा कि इस बालक को भी 8 दिन तक वैकेशन दे देती हूँ। क्या बात है अंजलि, आज तक ये सुना था कि बड़े जो हैं वो बच्चों की जिंदगी आसान करते हैं, या बच्चों ने मेरी जिंदगी आसान कर दी। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू बच्चों को। तो आ जाए खाने की लिस्ट पे। नाश्ते में सबसे पहले मुझे दे दो तुम चीज पकौड़े, बढ़िया, हाँ, फर्स्ट क्लास, एक और चाय के साथ। लंच के अंदर थोड़ा सा चीज चिली टोस्ट एज स्टार्टर, मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन, और एक वेज कोल्हापुरी, थोड़ी सी नान, ओके, और दही का कुछ आइटम, और सेटल करते हैं पुलाव में बाद में, ओके। और डिनर के अंदर आप मुझे दे दीजिए बढ़िया दाल मखनी, पनीर मसंदा, दम आलू, और मलाई कोफ्ता, और 8-10 गुलाब जामुन। बस बस बस, पूरे वेकेशन का मजा एक ही दिन में लूट लोगे क्या? आप जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं चीज पकौड़े से शुरुआत करती हूँ। क्या बात है अंजलि, क्या बात है, जब तुम चीज पकौड़े बनाती हो ना, तुमसे ज्यादा खूबसूरत औरत दुनिया में कोई नहीं होती। अंजलि, तुम इतनी सुंदर हो ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, और जब तुम पनीर पसंदा बनाओगी, यू आर द क्वीन। जल्दी चीज पकौड़ा, चीज पकौड़ा, चीज पकौड़ा, चीज पकौड़ा। अरे वाह, क्या बात है अब्दुल भाई, तरक्की हो रही है। खेल कूद के सामान से पूरी दुकान भर दी, बाहर स्टॉल ही लगा दिया तुमने। तो क्या है ना, वेकेशन का टाइम है, खेलने की चीज रखनी पड़ती है, और मेरा तो सिर्फ एक ही वसूल है कि कोई भी ग्राहक दुकान से वापस ना जाए। एकदम सही बोला तुमने। आपको क्या चाहिए? मुझे एक ब्रेड देना भाई। ओके, खाते में लिख लेना। पोपलाल जी, एक मिनट, क्या है ना, बोने का टाइम है, अगर आप ये ब्रेड का पैसा कैश दे दे तो। लेकिन पैसे मैं लाया नहीं हूँ, तो चाहता है कि ग्राहक वापस चला जाए। नहीं नहीं नहीं, आप ले जाइए, ले जाइए। टप्पू, तूने
तो दूध नहीं पिया बेटा, चलो दूध पिलो, चलो चलो चलो। अरे मम्मी एक मिनट, मेरी गेम चालू है। अरे पिछली 15 मिनट से एक मिनट बोल रहा है, दूध पीने में भी एक ही मिनट लगती है, पहले दूध पी लो बाद में गेम खेलना, चलो चलो। मम्मी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे हाई स्कोर करना है। ओ लड़का चलो दूध पी लो। अरे दया मेरा मोबाइल कहाँ? पापा ये लो आपका फोन। पापा मुझे पोर्टेबल वीडियो गेम लाके दो ना। पोर्टेबल वीडियो गेम कौन सा? लेकिन अरे वो फॉरेन वाली जिसमें 500 से ज्यादा डिजिटल गेम होते ना। अरे टप्पू बेटा तू चिंता मत कर, तुम्हारे सुंदर मामा की फॉरेन में बहुत पहचान है। मामा को क्या क्या फॉरेन से गेम मंगवा लेंगे। क्यों क्या कहते हैं? हाँ पापा मामा को फोन करके बोल दो ना। या मामा वाली, तेरा सुंदर मामा को बोलेंगे ना तो वो तेरा मामा मुझे मामा बना के मेरे ही खर्चे पे फॉरेन जाएगा और फॉरेन से वो गेम लेके आएगा। इससे अच्छा मैं ही तुझे लाके दूंगा। हाँ 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 जाएगा, हम सब साथ में फॉरेन गेम लेने के लिए जाएंगे। अरे भाई कोई फॉरेन नहीं जा रहा है, ये सब फॉरेन के गेम अभी इंडिया में ही मिलते हैं। हाँ तो पता है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ना बोला तो मजाक कर रही थी, और अगर हाँ बोला होता तो मजा। हंस तो फॉरेन फॉरेन करते हैं तो कभी तो लेकर जाइए, हम लोगों को भी मजा है। अरे भाई लेकर जाऊंगा फॉरेन। हाँ। पापा आप शाम को मेरे लिए वीडियो गेम लाना भूलना मत। नहीं बोलूंगा बेटा। थैंक यू। तू क्या ये कर रही है? अरे बेटा खुश तू खुश। अरे बहू बहू मेरी छड़ी कहाँ है? एक मिनट। अरे दादाजी आपकी असली छड़ी तो मैं हूँ। बोलिए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको लेके चलता हूँ। वाह बेटा। हाँ बेटा आज तूने अपना छोटे मुँह से बहुत बड़ी बात कह दी बेटा। हाँ एकदम सही कहा मेरे टप्पू ने। अरे बूढ़े बुजुर्ग का असली सहारा छड़ी नहीं उसका परिवार होता है। आज मैं मंदिर में प्रार्थना करूंगा कि हर घर में मेरे टप्पू जैसा एक समझदार बच्चा हो। है और मैं प्रार्थना करूंगा कि हर घर में आपके जैसे दादाजी और मेरे मम्मी पापा जैसे मम्मी पापा हो। ये लीजिए बापू जी। टप्पू 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 टप्पू। हाय दादाजी। हाय दादाजी। हाय जी। टप्पू देखो ने नई वीडियो गेम ली है। हां चला खेलते हैं। नहीं पिंकू मैं नहीं आ सकता, मैं अपने दादाजी के साथ मंदिर जा रहा हूँ। अरे टप्पू तेरे दोस्त आए हैं तो तू उनके साथ खेल है। तू कल आना मेरे साथ मंदिर। ओके दादाजी। कम ऑन फ्रेंड्स चलो चलो मैं भी मंदिर जाता हूँ। जेठा जय जी ने बाबूजी एक 5 मिनट रुक जाओ तो मैं चाय पी के बस अभी निकल रहा हूँ दुकान, तो रास्ते में आपको रिक्शा में छोड़ दूंगा। अरे नहीं भाई नहीं मैं चल के जाऊंगा। अरे इंसान को जितना हो सके उतना चलना चाहिए, चलने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। नहीं वो बराबर है लेकिन आजकल बाहर धूप कितना है बापूजी, कितनी गर्मी है। कम से कम छाता तो लेके जाइए, जरा छाता तो दे बापूजी का। हाँ बापूजी आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी माले में से छाता निकाल कर देती हूँ। अरे बहू रहने दे, कोई जरूरत नहीं है छाते की, मैं चला जाऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो जय जिनेंद्र। ओ क्या जय जिनेंद्र, चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? अरे हाँ ले मैं तो भूल ही गई, अभी लाती। चल चल ला भाई ला। आज मैं आपको चाय पिलाऊंगी लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? आज आप चल के दुकान जाए तो। ठीक है रिक्शा में दुकान जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। चापली नंबर 1 है दया। ओ जेड़ा ब्रा गुड मॉर्निंग। ओ गुड मॉर्निंग छोटे, और सुबह सुबह किधर? आओ गैराज बनातो। अच्छी और तो 80 दुकान विच और कित है? बल्ले बल्ले
बाबा का भीड़ आला। यहूदे यहूदे आपन घबरात ना आए। ओ सोड़ी की गल है। अपनो आजा यार। आ सोड़ी की हाल है? और जेठा ब्रा केम छो मजा मा? मजा मा भाई मजा मा। मेरा भारत महान। बिल्कुल सभी भाषाएं आ गई। और दुकान जा रहे हो? मैं दुकान जा रहा हूँ और ये गैरेज जा रहे हैं। और तुम किधर? ऑफिस। हाँ तुम कौन सी ऑफिस जा रहे हो? वही अपना सुविचारों का ऑफिस। ओ सोसाइटी के ऑफिस। वाह तो आज कौन सा सुविचार लिखने का विचार है भाई? नहीं भाई सुविचार लिखने नहीं जा रहा हूँ, चेतावनी लिखने जा रहा हूँ। चेतावनी? चेतावनी कुछ भूकंप भूकंप आने वाला है क्या? हाँ सिर्फ हमारी सोसाइटी में ही भूकंप आने वाला है, लेकिन ये चेतावनी अपने लिए नहीं है, वो भूकंप के लिए है। तो क्या बोल रहे हैं यार? तो कुछ ऐसा बोल जो समझ में आए। तू शिक्षक है यार? नहीं नहीं इसमें इसका कसूर नहीं है छोटी। ओके आजकल वातावरण में गर्मी बहुत है ना, तो गर्मी इसके दिमाग में चढ़ गई है। जेठालाल ये बात मजाक की नहीं है, क्योंकि ये बात टप्पू सेना की है। मैं टप्पू सेना नामक भूकंप की बात कर रहा हूँ। अरे भाई वेकेशन शुरू हो गया है, तो इस टप्पू सेना का हंगामा कब शुरू हो जाएगा पता नहीं चलेगा। भाई भेड़े अभी बच्चे लोग ये वेकेशन में हंगामा नहीं करेंगे तो कभी करेंगे। बिल्कुल ये बराबर है जेठालाल, लेकिन पिछले साल इसी टप्पू सेना ने क्रिकेट खेलते हुए क्या हंगामा मचाया था खबर है ना तुम्हें? वैसा हंगामा इस साल ना हो इसलिए खेलने के कुछ नियम बनाए मैंने, वही लिखने जा रहा हूँ। अरे तुम लोग तो सोसाइटी में होते नहीं हो, पूरा दिन मैं होता हूँ सोसाइटी में, तो मुझे पता है कि बच्चे कितने हंगामा करते हैं, कितनी शरारत करते हैं। और बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, ऐसी कई छोटी छोटी चीजें जो मैं ध्यान रखता हूँ। अभी उस दिन वो भाई भाई क्या हमको थोड़ा अभी लेट हो रहा है, काम पे जाना है दोनों का। तो शाम को आएंगे तभी पूरा डिटेल में एकदम रिपोर्ट दे देना। चल बच्चे चलो। एक मिनट रुको रुको रुको। रिपोर्ट देना मतलब क्या है? अरे मैं सोसाइटी की नौकरी नहीं कर रहा जो रिपोर्ट दे दूं, इस काम का पगार नहीं मिलता मुझे, ये तो मैं हॉनररी करता हूँ। वो तो मैं जागरूक हूँ इसलिए अपनी सोसाइटी सही ढंग से चल रही है, वरना आजू बाजू की सोसाइटी में जाकर देखो कितना प्रॉब्लम्स हो रहा है वहाँ पे। मेंटेनेंस पेंडिंग का लफड़ा, पानी की कमी, रिपेयरिंग का पंगा, अपने बाजू वाले नूतन को ही देख लो। बाजू वाले नूतन कौन? कौन है भाई? अरे नूतन कोऑपरेटिव सोसाइटी। नूतन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हो? तो ऐसे बोलना है यार पिडू। हाँ अरे उसमें कितने पंगे मालूम है तुम लोग को? नहीं। अरे वहाँ पर मेंबर्स के आपसी झगड़े की वजह से 2 महीने में 2 बार सेक्रेटरी बदला जा चुका है, और फिर उनका मेंटेनेंस का, प्रॉपर्टी टैक्स का, पानी का बिल इतना चढ़ गया है कि मैटर रजिस्टर ऑफ सोसाइटी के पास चला गया है। अब तो ये बारी है कि उसकी सोसाइटी का ऑक्शन हो रहा है, और यही सेम मैटर वो होम सुप्रीम में भी हुआ है। भाई 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 हम लोग समझ गए कि भाई हमारी सोसाइटी और हम लोग इतने नसीबदार है कि हमको आप जैसा सेक्रेटरी मिला है, वरना हमारी हालत भी अनुतन जैसी हो जाती। हा? तो तुमसे भावना पोचले मंडल आपला भरिया है, अच्छा बात में संपा आणि संध्याकाळी पुन्हा भेटूया। चला हा जय हिंद। चलो चलो पिडो चंगा मिळूया शामी। ओ शिट गोली तेरी गेम तो बंद हो गए। माउस में वैसे भी सेल कम थे। अरे यार मेरे वीडियो गेम की भी सेल वीक हो गई है। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, नीचे अब्दुल शॉप में जाके सेल लेके आते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। ये भिड़ंग इतना लंबा लंबा क्या लिख रहे हैं? चल भिड़ंग से पूछते हैं। चल चल। सोसाइटी में कुछ फंक्शन होने वाला है। ये फंक्शन वाले ठीक से पढ़ो क्या लिखा है, खास तुम बच्चों के लिए लिखा है मैंने। हाँ वेकेशन में बच्चों को शिष्ट का पालन करना जरूरी है। हाँ क्रिकेट फुटबॉल दोपहर के समय खेलना मना है। बिल्कुल। हाँ?
सोसाइटी की किसी भी प्रॉपर्टी का नुकसान होने पर दंड दिया जाएगा। ये गोलियां दिया नहीं जाएगा, लिया जाएगा। ठीक से पढ़ो। तो बात समझ में आ गई? बीड़े अंकल, वैकेशन हम बच्चों के खेलने कूदने के लिए होता है, और उसमें भी आप नियमों के जंजीरों से हमें बांधोगे तो हम खेलेंगे कैसे? हाँ। बीड़े अंकल, ऐसे नियमों का पालन करेंगे ना तो हम खेल से इधर हो जाएंगे। यू फ्रेंड्स, इन शॉर्ट बीड़े अंकल, हम क्रिकेट और फुटबॉल दोपहर को भी खेलेंगे। मतलब वाटलस तुम यही बोलोगे? टप्पू, अगर तुम नियमों का पालन नहीं करोगे तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा जेठालाल से। अरे बीड़ा, मेरी पूरी बात तो सुनिए। क्या? हम क्रिकेट और फुटबॉल सोसाइटी कंपाउंड में नहीं, हमारे वीडियो गेम में खेलेंगे। चलो। वीडियो गेम में? अरे शेवर भाई। हाँ जी। तुम्हारी मेंटेनेंस की रिसीट लेके जाना। जी दीदी। सेना, बोलो क्या चाहिए? क्रिकेट का बॉल चाहिए या बैडमिंटन का कूक? नहीं नहीं, पेंसिल सेल। हाँ, कितना चाहिए? चार। और अब्दुल मुझे दो दे। तो छह दे दे। हाँ बाबा। हाँ ले ले। अब्दुल, पैसा। ओहो हो, बच्चों क्या बात है, वैकेशन कैसा चल रहा है? लेकिन एकदम संभल कर खेलना, गर्मी की सीजन है, कहीं धूप में खेल के लू ना लग जाए, सब बीमार पड़ जाओगे। हाँ। ओके अंकल। गोले आला गोला। गोले आला गोला। गोले आला। हैप्पी बर्थडे पापा अंकल। हैप्पी बर्थडे पापा अंकल। हैप्पी बर्थडे। ऊपर का बर्थडे आज? समझ गया। ये गोला खाना है सबको। आओ भाई आओ, आज तुम सबको पोपट अंकल की तरफ से गोला पार्टी। हाँ। अरे भाई गोले वाले भाई, ये सबको बच्चों को एक एक गोला खिलाओ मेरी तरफ से। पोपट अंकल, एक एक मतलब सबको दो ना। शैतान। चलो भाई चलो, सबको दो दो गोला खिलाओ पोपट अंकल की तरफ से। यस। मतलब एक एक का चार चार गोला मिलेगा? नहीं गोगी, एक होगी, ज्यादा मत मांग, नहीं तो दो भी नहीं मिलेंगे। बनाओ भाई बनाओ, सबके लिए बनाओ। हाँ भाई गोला वाले, ये बर्फ और ये पानी और ये कलर और ये सब तुम्हारा अच्छी क्वालिटी का है ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गोला खा के हमारे बच्चे बीमार पड़ जाए। हाँ सब सब अच्छा। बनाओ बनाओ फिर सबके लिए बनाओ। हाँ गोला खाना था तो मैंने बोला कि भाई पोपट अंकल की तरफ से आज तुम सबको गोला पार्टी। उल्लू बनाया तुम्हें बच्चों ने? भिड़े, कभी कभी बच्चों के हाथों से ऐसे उल्लू बनने में भी मजा आता है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब,
खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। भाई ये कहावत हर वक्त ठीक नहीं है। भाई एग्जाम्स के वक्त पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन वेकेशन में तो मस्तियां जरूरी है। वेकेशन बच्चों के लिए साल भर का टॉनिक है, उनकी आजादी, उनकी मस्ती, उनकी चुस्कियां, बर्फ के गोले, खेल कूद, मस्तियां। भाई यही तो चीज है वेकेशन की। पूरे साल बच्चे बस्तों का बोझ उठाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एग्जाम्स देते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वेकेशन का वक्त तो उन्हीं के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं तमाम पेरेंट्स से एक चीज कहना चाहता हूँ, वेकेशन में बच्चों पे पाबंदी मत रखिए, उन्हें खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, बढ़ने दीजिए, जो चाहे करने दीजिए, मतलब शैतानी नहीं, लेकिन जितना खेलना चाहे खेलने दीजिए। भाई छुट्टियां आती साल भर में एक बार है, और इस वक्त वो जो करेंगे उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। हमारे बचपन की ये जो नींव है सारी जिंदगी हम याद करेंगे, हम छुट्टियों में कैसे खेलते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, क्रिकेट खेलते थे, साइकिल चलाते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी स्मृतियां आप तभी संजो पाएंगे जब अभी उन्हें ये सब करने देंगे। और गोकुल धाम में भी टपू सेना वेकेशन के लिए मस्त है, उनकी वेकेशन चल रही है, लेकिन आप तो जानते हैं यहाँ टपू सेना की वेकेशन मतलब बहुत सारा टेंशन, और टेंशन तो बहुत होगा, और जब टेंशन होगा तो धमाल होगा। लेकिन एक चीज आपको याद है ना कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लाफ्टर के लिए कोई वेकेशन नहीं है, ठाके ही ठाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।